झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के खिलाफ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इनाम की घोषणा की है। डीजीपी एमवी राव के निर्देश पर यह घोषणा जारी की गई है। पुलिस मुख्यालय ने कहा कि इन नक्सलियों की अथवा उनके संपत्ति की जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा, साथ ही साथ सूचनादाता के नाम को गुप्त रखा जाएगा। बड़े और दुर्दांत नक्सलियों की सूची में मिसिर बेसरा, प्रशांत बोस, अनल दा और अनल मंडल को शामिल किया गया है। इनकी सूचना देने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 25 लाख के इनामी नक्सलियों में चमन उर्फ लंबू, लालचंद हेम्ब्रम उर्फ अनमोल दा, मोछू उर्फ मेहनत, अजय महतो का नाम घोषित किया गया है। 15 लाख के इनामी नक्सलियों में अमित मुंडा का नाम शामिल है। वहीं 10 लाख के इनामी नक्सलियों में जीवन कंडुलना और महाराजा प्रमाणिक को रखा गया है। इससे पहले पीएलएफआई के उग्रवादियों की तस्वीर जारी कर सूचना देने वाले को 25 लाख तक का इनाम देने की घोषणा की गई थी, जिसमें दिनेश गोप से लेकर अन्य नक्सलियों के नाम थे। रांची रेंज के डीआईजी, कोल्हान के डीआईजी, रांची के एसएसपी, खूंटी, सरायकेला और चाईबासा के एसपी का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है, ताकि लोग उन्हें नक्सलियों की सूचना दे सकें। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना, स्वच्छता को आदत बनाना है। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।